नमस्कार दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रीशियन अगर पीसीबी रिपेयर करता है या बोर्ड रिपेयर करता है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। ये देख सकते हैं, ये जो क्लिप देख सकते हैं, इसको सिमटी भी बोलते हैं हम भाषा में। तो ये सिमटी जो भी कंपोनेंट है, असेंबली कंपोनेंट है, वहाँ पर उपयोग करते हैं छोटे कंपोनेंट के। तो एक आपके पास बैंड भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम असेंबली निकालते हैं तो वो वहाँ पर दिखना भी चाहिए पीसीबी पर। और ये भी आपका ये बारीक है, ये भी रहना चाहिए। तो ये दोनों आप बरासरी का देख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का ये जो चिमटियाँ आती हैं, तो ये दोनों भी रहना चाहिए। और ये एक पूरा सेट आता है स्क्रू ड्राइवर का, ये बहुत ही छोटे स्क्रू को भी ओपन कर देगा। और इसमें ये है कि ये एडजस्टेबल, ये इसको पीछे खींच के चाहे जहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर ये घाट के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, आप छोटा भी कर सकते हैं तो बड़ा भी कर सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं ये प्लस का जो पॉइंट है दिख रहा होगा, तो ये बहुत ही बारीक है, बारीक स्क्रू को खोलने के लिए। लैपटॉप और मोबाइल वगैरह तक भी ये खोल देता है। और इसमें ये देख सकते हैं एडजस्टेबल, ऐसे ही सारे ये लगेंगे जो हमारे पास स्क्रू के जो हेड, सॉरी ये जो स्क्रू के सैंक है, या स्क्रू के आप ये कर सकते हैं स्क्रू ड्राइवर के आप जो सैंक या टिप कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। बट ये हर जगह पर उपयोग हो जाएगा किसी भी रिपेयर के लिए। तो हर साइज का अलग अलग नियम है, गेज है, और अच्छी क्वालिटी का, कि बहुत समय से हम उपयोग कर रहे हैं इसको, तो अच्छा चल रहा है इसलिए उपयोग कर रहे हैं। और इसमें ये एक अलग स्क्रू ड्राइवर है, पहले नोकिया के फ़ोन में ये स्क्रू लगते थे, अब भी आते हैं तो ये जल्दी मिलते नहीं, इसलिए ये सभी हैं। तो इसको एक अलग टूल बना दिया गया है काट के, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास मेन इसी सब का उपयोग होता है, जो स्टार आते हैं, स्टार माइनस के ही स्क्रू आपको इंडिया में मिलेंगे। और अदर फॉरेन वगैरह के आप कंपोनेंट या जो प्रोडक्ट है उसमें हो सकता है, जो रेक्टेंगुलर हो सकता है, अलग अलग स्क्रू ड्राइवर आए, तो ये भी रहना आपके पास बहुत ज़रूरी है टूल। और हमारा वीडियो कैसा लगे और किसी टूल पर आपको क्वेरी या जानकारी चाहिए तो हमें प्लीज़ कमेंट करें।